कक्षा छठी पाठ 11 दूध का दूध पानी का पानी। माँ, मेरी हिंदी की पुस्तक में एक मुहावरा है, इसका अर्थ बता दो ना। लो दिखाओ कौन सा है। दूध का दूध पानी का पानी। बेटा, इसका अर्थ है उचित न्याय करना, भाव सही गलत की पहचान करवाना। वो कैसे माँ? चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें इसका अर्थ अपने आप ही समझ आ जाएगा। वाह माँ, जरूर सुनाओ। तो सुनो, एक बार की बात है, एक राजा था, वे अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन पड़ोस देश के राजा ने सोचा कि क्यों ना उस न्याय प्रसिद्ध राजा की मैं कोई परीक्षा ले लूं। तो पड़ोसी देश के राजा ने अपना भेष बदला और घोड़े पर बैठकर शहर की तरफ चल पड़ा। जब वे जा रहा था, तभी रास्ते में उसे पेड़ के पास एक आदमी मिला। वे आदमी ठग था। उसने राजा से विनती की, मैं एक राहगीर हूँ, थक गया हूँ, कृपया मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर बाजार तक ले चलें। ठीक है, आओ बैठ जाओ मेरे घोड़े पर। माँ, राजा ने तो बहुत गलती कर दी। हाँ बेटा, अब मैं आपको आगे बताती हूँ क्या हुआ। थोड़ी देर बाद जब राजा पानी पीने के लिए घोड़े से उतरा, तो वह ठग घोड़े को लेकर भाग गया। फिर क्या हुआ माँ? राजा ने खूब शोर मचाया, तो कुछ लोगों ने घोड़े को वहाँ पकड़ लिया, रोक लिया। यह घोड़ा मेरा है, यह घोड़ा मेरा है। फिर क्या हुआ माँ? लोगों को क्या पता था किसका घोड़ा है, तो उन्होंने सोचा कि इनको राजा के पास लेके चलते हैं। वे उन दोनों को राजा के पास ले गए। राजा न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो राजा ने क्या फैसला किया माँ? राजा के दरबार में पहले से ही दो मुकदमे चल रहे थे, जिन्हें राजा सुन रहा था। एक लेखक और किसान के बीच में नौकर के बारे में था। नौकर गूंगा और बहरा था। बताओ क्या समस्या है? महाराज, ये नौकर मेरा है। नहीं महाराज, ये नौकर मेरा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, और समस्या यह है कि नौकर गूंगा और बहरा है। ठीक है, तुम नौकर को यहाँ छोड़ जाओ और कल आना। और दूसरा झगड़ा कौन सा था माँ? बताती हूँ, ध्यान से सुनो। बताओ क्या समस्या है? महाराज, इनका झगड़ा यह है कि ये दोनों ही इन पैसों को अपना बता रहे हैं। ठीक है, तुम दोनों पैसे यहीं छोड़कर जा सकते हो और कल आना। जैसे पहले राजा ने किया था, ऐसे ही फिर राजा ने किया। जब पड़ोसी देश का राजा और ठग भी राजा के पास गए, तो राजा ने उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा और घोड़ी को रख लिया अपने पास। फिर क्या हुआ माँ? अगले दिन सुबह राजा ने राजदरबार में बैठकर फैसला सुनाया। यह नौकर लेखक का है, उसे सौंप दो, और किसान को 50 चाबुक लगाओ। फिर उसके बाद राजा ने पैसों का फैसला किया। यह पैसे कसाई को दे दो और तेली को भी चाबुक लगाओ। फिर राजा ने घोड़े का फैसला सुनाया और घोड़े को उसके सही मालिक को दे दिया और ठग को सजा सुनाई। माँ, राजा ने सारे मुकदमों का उचित न्याय कैसे किया? वो ही तो बताती हूँ, ध्यान से सुनो। राजा ने सबसे पहले नौकर को किसान के काम करवाए, परंतु नौकर को वह काम नहीं आता था। फिर राजा ने नौकर से लेखक के काम करवाए, जैसे द्वात, स्याही मंगवाना या कलम मंगवाना। वे काम नौकर ने बड़ी फुर्ती से कर दिए। इसी तरह से राजा ने पैसों का झगड़ा भी निपटवाया। उसने पैसों को पानी में डाला। अगर तो वो तेल लेके होते, तो पैसों पर जरूर तेल लगा होना था और तेल पानी के ऊपर आना था। लेकिन जब उसने पैसों को पानी में डाला, उस पे कोई ऐसी तेल की बूंद नहीं थी, तो राजा समझ गया कि ये पैसे तेली के नहीं हैं, ये पैसे कसाई के हैं। और माँ, राजा को कैसे पता चला कि घोड़ा ठग का नहीं, दूसरे राजा का ही था? अब राजा ने इसके लिए भी बहुत सुंदर उपाय निकाला। राजा ने घोड़े को अस्तबल में बांध दिया और फिर बारी बारी दोनों को कहा कि घोड़े को पहचानो। राजा ने झट से घोड़े को पहचान लिया, और अच्छी बात तो ये हुई कि घोड़े ने भी अपने मालिक को पहचान लिया और हिनहिनाने लगा अपने मालिक को देखकर। बस तभी राजा ने पहचान लिया कि घोड़े का असली मालिक वही वाला व्यक्ति अर्थात दूसरा राजा ही है।
वाह माँ, वह राजा कितना बुद्धिमान था। हाँ बेटा, फिर फैसला होने के बाद यही बात वो दूसरे देश के राजा ने, जो भेष बदल कर खड़ा था, उसने उस राजा को बोला और अपनी असली पहचान भी बताई, और उसने भी बुद्धि से न्याय करने का वहाँ से संकल्प लिया। अब समझ में आया कि दूध का दूध पानी का क्या अर्थ है। हाँ माँ, अब मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया कि दूध का पानी का अर्थ है उचित और सही न्याय करना।